नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। राशिफल आपका आज का और साथ के साथ लकी अक्षर और इसके अलावा ट्रांसिट यानी गोचर प्लस उसके पहले सबसे पहले विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। अगर आज के दिन आपका जन्मदिन है, 10 जून का दिन है, फ्राइडे यानी शुक्रवार का दिन है, तो ये दिन आपके जीवन का सबसे खूबसूरत दिन बन जाए। अक्षर का प्रयोग आप भी कर लीजिएगा क्योंकि अक्षर हर दिन को लकी बनाता है और कहते हैं कि जब जन्मदिन का दिन अच्छा बन जाए, लकी बन जाए, तो पूरा साल बहुत अच्छा रहता है। एक्साइटेड रहिए, जोश में रहिए, खूब सारा एंजॉय कीजिए, लेकिन अच्छे कर्मों को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के दिन आपने अपनी माता जी से 1 रुपए का सिक्का जरूर मांग करके ले जाना। यकीन मानिए, कभी भी आपके पास धन की कमी नहीं होगी। या आपने अपने बर्थडे के दिन जरूर कर लेना है और साथ के साथ आशीर्वाद भी। आशीर्वाद ही है जो आपको हमेशा सुरक्षित रखता है। ये बड़ों के आशीर्वाद में ताकत ही अलग होती है। मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं है जन्मदिन की। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। ट्रांसिट क्या कहता है यानी गोचर, कहाँ कहाँ है, कौन से ग्रह, ये भी बताएंगे, लेकिन राशिफल भी है, उसके बाद आपके लिए अक्षर भी है। अक्षर बहुत चमत्कारी है, आपके दिन को सेटल करेगा, आपके डे को लकी बनाएगा। लेकिन सबसे पहले ट्रांसिट की बात कर लेते हैं, गोचर की बात कर लेते हैं कि सूर्य जो है वो वृष राशि में है और चंद्रमा है कन्या राशि में, लगभग 28 डिग्री के आसपास है। मंगल मीन राशि में है, बुध रहेंगे वृष राशि में जहां ऑलरेडी राजयोग बन रहा है, गुरु बन रहे हैं, गुरु है आज के दिन मीन राशि में, शुक्र है मेष राशि में, शनि है कुंभ राशि में जो कि रेट्रो है, ध्यान रखने की जरूरत है। अन्याय हो सकता है, आपने कहीं भी कुछ भी गलत नहीं करना किसी के साथ ताकि शनि देव आपके ऊपर मेहरबान रहे। राहु है मेष में और केतु है तुला राशि में। विश वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे जिनका भी आज के दिन जन्मदिन है, लेकिन मदर से आपने 1 सिक्का जरूर ले लेना आज के दिन। यकीन मानिए, कभी धन की कमी नहीं रहेगी, लेकिन बड़ों का आशीर्वाद लेना बिल्कुल मत भूलिएगा आज के दिन। चलिए अब बात करते हैं हम अक्षर की। अक्षर की बात अभी नहीं करेंगे, अक्षर की सिर्फ बात कर रहे हैं, अक्षर दे नहीं रहे हैं। अक्षर का आपने थोड़ा सा इंतजार करना है क्योंकि ये लकी अक्षर आपके दिन को लकी बनाएगा। सबसे पहले राशियों का हाल जान लेते हैं कि राशियां क्या कह रही। मेष राशि की बात करते हैं, एरीज वाले बाहर का खाना मत खाइएगा आज के दिन, ध्यान रखिएगा, और एक्सेस फूड आपका स्टमक अपसेट कर सकता है। बेवजह का खर्च आज के दिन बढ़ सकता है, ध्यान रखिएगा कहीं कोई गलती कर रहा है तो आप अगर अटैच्ड खड़े हैं तो ये गलती हो सकता है आपके ऊपर पड़ रही हो भाई, तो किसी और की गलती की सजा आप ना भुगते, इसलिए थोड़ी सी दूरी बना लीजिए ऐसी सिचुएशन से। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा, हरे रंग का प्रयोग जरूर कीजिएगा। वृष राशि की बात करते हैं यानी टॉरस वालों का मन आपका थोड़ा सा आज के दिन परेशान विचलित रह सकता है। इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, जरा उन्हें संभाल करके रखिएगा। धन का लेन देन अगर आप चाहें तो आज के दिन तो भी नहीं कीजिएगा, यानी आज के दिन टोटल कंप्लीट मनाइए, धन का लेन देन आज के दिन टाल दें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा, हरे रंग का प्रयोग आप जरूर कीजिएगा। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं यानी जेमिनी वाले, अपनी बात अपने तक ही रखिएगा, अपनी मनी को भी जरा संभाल करके रखिएगा, अपने इमोशंस को भी आज के दिन संभाल करके रखिएगा, जल्दी अपने इमोशंस सबके सामने मत ले आइएगा। अननेसेसरली की सिचुएशन बन सकती है झगड़े की, टाल देंगे सिचुएशन तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और साथ के साथ एक चीज का बहुत जरूरी ध्यान रखने की जरूरत है कि फैमिली को इग्नोर आज के दिन मत कीजिएगा, वरना मुश्किल में आ सकते हैं आप। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीला, पीले रंग का प्रयोग आप जरूर कीजिएगा। कर्क राशि की बात कर लेते हैं यानी कैंसर की बात करते हैं, कैंसेरियन वालों के लिए बच्चों की ओर से आपको एक खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप कहीं हायर एजुकेशन का प्लान कर रहे हैं, कोई फॉर्म भरना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा है, बहुत आपको शुभता प्रदान करेगा और साथ के साथ बड़ों का सहयोग आपको जरूर मिलेगा। रुके हुए काम आपके पूरे हो सकते हैं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा आपके लिए मैरून रंग का इस्तेमाल आज के दिन कर सकते हैं। सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि वालों के लिए आज आपका रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, थोड़े से एफर्ट से कॉल मार दीजिए
हो सकता है वो व्यक्ति पहले ही तैयार हो पैसा देने के लिए, लेकिन आप ही की तरफ से गलती हो, तो आप आज एफर्ट्स कर लीजिए, आप जो है ट्राई, आप फर्स्ट आप कर लीजिए ट्राई, तो हो सकता है आपका पैसा आज के दिन आपको मिल जाएगा। अपनों की बातों को नजरअंदाज मत कीजिएगा, स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखने की जरूरत है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा दो, शुभ रंग रहेगा आपके लिए नीला, नीले रंग का प्रयोग आप जरूर कीजिएगा। कन्या राशि की बात कर लेते हैं, वर्गों वालों के लिए और खास करके जो प्यार में डिस्प्यूट चल रहा था आपका काफी लंबे समय से, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, आज ये डिस्प्यूट, आज ये विवाद आपका खत्म हो सकता है। पेशेंस अपने लेवल को, पेशेंस के लेवल को जरा बना करके रखिए, धैर्य रखिए अपने, बहुत सारे काम आपके अच्छे अच्छे होंगे, लेकिन हाँ यात्रा आज के दिन टाल दीजिए। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा तीन, शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफेद, सफेद रंग का इस्तेमाल कीजिएगा आप। अक्षर जरूर इंतजार कीजिए क्योंकि अक्षर बहुत लकी है और आपके जीवन को लकी बनाएगा। तुला यानी लिब्रा की बात करते हैं, बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति के साथ आज आपका कहीं ना कहीं सामना हो सकता है, तो अच्छी बातें सीखने का ये टाइम जो है ये बर्बाद मत कर दीजिए, क्योंकि ऐसे सुनहरे मौके कभी कभी मिलते हैं। धन से जुड़े हुए विवाद अगर आपका कहीं से भी चलता आ रहा था, वो विवाद भी आज के दिन समाप्त हो सकता है। पुण्य कर्मों की तरफ ध्यान दीजिए, कुछ दान की सामग्री जरूर डोनेट कीजिएगा जरूरतमंद लोगों में। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा सात, शुभ रंग रहेगा आपके लिए नीला, नीले रंग का प्रयोग जरूर कीजिएगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, मन शांत रहेगा और मन शांत रह के आपने लेथार्जिक नहीं बनना है, मतलब ढीले होकर के घर में नहीं बैठना, काम के लिए बाहर जरूर निकल जाएगा ताकि आपके काम बनना शुरू हो जाए। धन के लेन देन में कोई कोताही नहीं करें, बहुत अटेंटिव रहें अगर आप धन का लेन देन करने जा रहे हैं। गुप्त जगहों पर, सुनसान जगहों पर अकेले बिल्कुल मत जाएं, चाहे आपका कितना क्लोज फ्रेंड सर्कल आपको दबाव क्यों ना बनाए, थोड़ी सी दूरी बना करके रखिए। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा तीन, शुभ रंग रहेगा आपके लिए आसमानी, आसमानी रंग का प्रयोग जरूर कीजिएगा। धनु राशि यानी सेजिटेरियस की बात करते हैं, तो आपके मन के अंदर कुछ आज बहुत उलट पलट से विचार आ सकते हैं, लेकिन वह अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये विचार आपसे गलत डिसीजन करवा सकते हैं। हेल्थ को आप सर्वोपरि रखिएगा, हेल्थ का आपने खास करके ध्यान रखना है। लंबी यात्रा आज के दिन टाल दीजिए, शुभ अंक की बात करें वो रहेगा एक, शुभ रंग रहेगा आपके लिए पूरा ब्राउन, ब्राउन रंग का इस्तेमाल कीजिए। मकर राशि की बात करते हैं, आप कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, अपने धन को जरा संभाल करके रखिएगा, क्योंकि कई बार होता है कि धन हम मोटी रकम होती है कहीं इधर उधर रख देते हैं और उसके बाद फिर हम ढूंढते रह जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा धन को जरा संभाल करके रखने की जरूरत है। वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की जरूरत है कि जो भी बोल रहे हैं देखिए कि इससे सामने वाला कहीं आहत तो नहीं हो रहा। माता जी की स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखने की जरूरत है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा तीन, शुभ रंग रहेगा आपके लिए हल्का गुलाबी। कुंभ राशि की बात करते हैं यानी एक्वेरियस वालों की बात करते हैं, तो माइंड तो बहुत है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन आप नहीं कर रहे हैं, तो उसका यूटिलाइजेशन आज कीजिए। कोई बड़ी प्लानिंग अगर आपकी काफी समय से पेंडिंग है तो उस प्लानिंग को आज के दिन आप कर लीजिए, और गाड़ी अगर खुद ड्राइव करते हैं तो बहुत ही संभल करके ड्राइव कीजिएगा। अपने फैसलों में जरा बड़ों की सलाह जरूर ले लीजिएगा। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा तीन, शुभ रंग रहेगा आपके लिए हल्का लाल, यानी लाल एकदम बर्निंग लाल नहीं, थोड़ा सूदिंग लाल कलर का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। मीन राशि यानी पाइसियन वालों के लिए बात करते हैं, तो आपके लिए कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आज के दिन आपके हाथ में आ सकती है। हो सकता है आपको आज कहीं प्रमोशन के योग मिल रहे हो और खास करके प्रमोशन मिल ही जाए, हाँ कहीं ना कहीं आपके लिए स्थान परिवर्तन के योग है। यात्रा आज के दिन टाल दीजिएगा। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा एक, शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफेद, सफेद रंग का इस्तेमाल आप जरूर कीजिएगा। अक्षर लकी, अक्षर लकी डे कैसे बनेगा, इस अक्षर का प्रयोग आप जरूर कीजिए। च अक्षर लिखना है आपने कागज के ऊपर, लेकिन लिखना है सिर्फ और सिर्फ गंगा जल से, और इस कागज को आपने फोल्ड करके अपने पास अपने साथ
पूरा दिन कैरी करना है। और जब आप घर वापस लौट रहे हैं, सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक ये अक्षर आपकी एनर्जी बनाए रखेगा, और सूर्य अस्त के बाद आप इस अक्षर को किसी भी पेड़ पौधे की जड़ में रख दीजिएगा और अपने घर वापस आ जाइएगा। ये लकी अक्षर आपके जीवन में लक लेकर के आएगा, लकी फैक्टर बन जाएगा, और आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाना है। इस अक्षर को भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि हर दिन सुबह 6 बजे मेरे ये YouTube चैनल पर हमेशा आपको राशिफल, अक्षर, बर्थडे विशेष के साथ एक छोटा सा उपाय और साथ के साथ ट्रांजिट यानी गोचर क्या कहता है आज के दिन, तो हर दिन के हिसाब से आपको राशिफल भी दिया जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।